Because he lives, I hope tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is just the living just because he lives. Sorry, due to some technical problem, some of the song you could not hear, so I am sorry for that. तो चलिए हम अब मैसेज में चलते हैं. प्रभु का वचन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि प्रभु ने मेरे दिल में आज डाला है. और आई होप ये वचन हम सब के लिए हो और हम सब के जीवन में एक बदलाव लाए, हम सब के जीवन में एक मसीही जीवन सशक्त करना सिखाए. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि गॉड हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है और वो हमारी कितनी ज़्यादा परवाह करता है. बाइबल में शुरू से अंत तक ये लिखा है कि वो हमारी परवाह करता है. गॉड लव्स अस, गॉड केयर्स फॉर अस ऑल द टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी मिनट ही केयर्स फॉर अस. सो गॉड हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमारी परवाह करता है. तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें पता चलता है कि गॉड हमारी परवाह करते हैं. एक तो है कि गॉड हमारी सुरक्षा करता है. सबसे पहला पॉइंट है कि गॉड हमारी सुरक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है. उसके लिए एक वर्स दी गई है जो कि साम और भजन संहिता 121 और उसके 7-8 पद में दी गई है. भजन संहिता 121 उसके 7-8 पद में दी गई है. हम ये पढ़ देते हैं. यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा. यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा. तो हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमारी कितनी परवाह करता है और वो हमको वायदा देता है, वायदा करता है हमसे कि वो हमारी रक्षा करेगा. और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका एक भी वचन नहीं टलेगा, और उसका हर एक वचन सच है. और वो हमारा यहोवा जो है वो हमारा परमेश्वर सत्य है, और इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेगा. और आप अपने जीवन में झांक के देखिए कि अब तक हम और आप उसकी सुरक्षा में जीते चले आए हैं, नहीं तो हमें कब का क्या हो गया होता. लेकिन परमेश्वर हमारी हमेशा रक्षा करते हैं. इसी बात पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है जो कि सच्ची है. एक बार एक फॉरेन कंट्री में एक प्रचारक होते हैं और उनका 10-12 साल का एक बेटा होता है. वो भी अपने पिता के साथ साथ जाता है हर जगह, जहाँ उसके पिता जाते हैं वो प्रचारक के साथ साथ जाता है. और उसके पिता जो हैं वो ट्रैक्ट बांटा करते थे, छोटे छोटे ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में लिखा होता है. और हम कई बार देखते हैं कि हमारे मसीही लोग, हमारे प्रचारक लोग सड़क पर या किसी सभा में या किसी स्कूल में जाकर वो ट्रैक्ट बांटते हैं, जबकि आजकल ये बहुत मुश्किल हो गया है, पर पहले ये बहुत आम बात हुआ करती थी. तो ये प्रचारक एक दिन देखते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और उस बारिश में वो कहते हैं कि आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बारिश हो रही है. लेकिन उनका छोटा बेटा जो कि 10-12 साल का था वो कहता है, नहीं पापा, हम आज भी जाएंगे. तो उसके पापा कहते हैं, बेटा तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन मैं नहीं जा सकता. तो उनका बेटा जो है ट्रैक्स लेकर उस बारिश में निकल पड़ता है. उनको वो किसी पन्नी में लपेट के वो जाता है ट्रैक्स बांटने के लिए, और हर दरवाजे पे वो नॉक करता है, हर दरवाजे पे वो बेल बजाता है कि कोई आए और उस ट्रैक्ट को ले ले. तो एक दरवाजे पे जब एक घर के सामने उसने जब दरवाज़ा खटखटाया, बेल बजाई, तो कोई आंसर उसको नहीं मिला, जबकि उसको पता था कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था.
और वो बहुत देर तक बैल बजाता रहा बजाता रहा। उसने भी हिम्मत नहीं हारी, वो बैल बजाता रहा। और उस घर में एक ओल्ड वुमेन थी, ओल्डर एडल्ट लेडी थी, जो कि उस समय अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुकी थी और वो अपने आप को फांसी लगाने वाली थी। और ये जब उसने देखा कि बार बार कोई आग्रह कर रहा है, बार बार कोई बैल बजा रहा है, तो उसने उस क्रिया को स्टॉप किया और फांसी की चीज़ों को एक तरफ रखा और वो दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी। और जब उसने दरवाज़ा खोला तो ये बच्चा बड़ी अच्छी सी मुस्कान देकर उसको विश करता है, और विश करने के बाद उनको वो ट्रैक पकड़ा देता है। तो वो ओल्ड लेडी जो है उस ट्रैक को लेकर अपने घर में चली जाती है और वो पढ़ती है उस ट्रैक को, और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने उससे बड़े प्रेम से बातें करी थी। और उस ट्रैक को पढ़ के उसका फांसी लगाने का इरादा बदल जाता है। और फिर वो जब संडे आता है तो संडे को वो चर्च जाती है और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है और वो प्रभु की बेटी बन जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु हमारी किसी न किसी तरह से सुरक्षा करता है। और मैंने अपने गवाही में बताया था कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मैं बहुत ही डीप डिप्रेशन में थी तो मैं हमेशा शैतान मुझसे कहता था कि फांसी लगा के मर जाओ और तुम्हारे जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जब एक दिन मैंने ये प्रण कर लिया था कि मैं फांसी लगा के मर जाऊँगी, तो उसी दिन सवेरे 9 बजे प्लम्बर मेरे घर पे आ जाते हैं और वो बैल बजाते रहते हैं। और फिर मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ तो वो कहते हैं आपके घर की मोटर काम नहीं कर रही है, हमें खबर मिली थी, हम मोटर ठीक करने के लिए आए हैं। और वो मोटर ठीक करते करते उनको सारा दिन भी लग गया और इस तरह से मेरा फांसी का इरादा भी ख़त्म हो गया। तो प्रभु कैसे अपने बच्चों की रक्षा करता है, और बाइबल में जगह जगह लिखा हुआ है कि वो हमारी रक्षा करता है, उसके फरिश्ते हमारे साथ साथ चलते हैं। उसने हर एक इंसान पर एक फरिश्ता निर्धारित कर रखा है जो हमारी रक्षा करता है। कई बार हम देखते हैं कि हम एक्सीडेंट होते होते हमारा बच जाता है, हमारे पास से गाड़ी निकल जाती है और हम बच जाते हैं, हमें हमारा बाल भी बांका नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि एक इंच की भी दूरी नहीं होती है और हम सड़क पार कर रहे होते हैं और गाड़ी जो है बस हमारे ऊपर आने वाली होती है, लेकिन परमेश्वर हमको बचा लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर हर समय अपने बच्चों की रक्षा करता है। और अब हम ये देखेंगे, दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है, हमसे प्यार करता है। दूसरा पॉइंट है कि गॉड ऑलवेज हियर्स आवर वॉइस। गॉड परमेश्वर हमेशा हमारी आवाज़ को सुनता है, वो जानता है अपने बच्चों की आवाज़। जैसे एक माँ अपने बच्चों की आवाज़ को पहचानती है, उसका बच्चा चाहे कितनी भी भीड़ में हो, स्कूल के बच्चों के साथ हो या बच्चों के साथ खेल रहा हो, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की आवाज़ अच्छी तरह से पहचानती है। उसी तरह से परमेश्वर अपने बच्चों की आवाज़ को पहचानता है, और जब भी हम उसको पुकारते हैं तो वो हमको जवाब देता है और हमारी परवाह करता है। इसके बारे में एक वर्स मैं पढ़ना चाहूँगी जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, 1 जॉन 5:14 में वो वर्स दी गई है। 1 जॉन 5:14 में ऐसे लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिवाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, और ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम, इसलिए बार बार ये नेटवर्क चला जा रहा है, पर परवाह नहीं करिए, मैं भी जो हूँ लगी रहूँगी और जब तक ये नेटवर्क आता जाता रहेगा मैं बोलती रहूँगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ थोड़े धैर्य से बैठे रहिएगा। तो गॉड जो है वो हमारी आवाज़ को सुनता है, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की आवाज़ को पहचानता है। चरवाहा जो यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, बाइबल ऐसे बताती है हमको, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी तराइयों में ले चलता है, वो हमें हरी घास पर बिठाता है। तो इससे पता लगता है कि परमेश्वर हमारी कितनी परवाह करता है, वो हमारी आवाज़ को पहचानता है।
और एक माँ अपने बच्चे की आवाज़ को जिस तरह से पहचानती है, उसी तरह से परमेश्वर हमारी आवाज़ को पहचानता है। एक इसके साथ भी मुझे एक कहानी याद आ गई, जिसमें कि एक बच्चे को कैंसर हो जाता है और उसकी माँ उसके पिताजी नहीं थे, उसके पापा नहीं थे, लेकिन उसकी माँ जो है वो अकेली ही उसकी देखभाल किया करती थी। तो जब उसको पता चलता है कि उसके बेटे को कैंसर है, तो वो दुख से भर जाती, उसका दिल टूट जाता है। और उसको पता था कि कैंसर का उस जगह पे कोई इलाज नहीं था, क्योंकि वो एक गांव में रहती थी और उस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं था। किसी ने बताया था कि एक डॉक्टर शहर में रहते हैं जो कि इस वाले कैंसर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, ना उसके पास कोई साधन था कि वो उस डॉक्टर के पास जाती। उन्हीं ऐसा खुदा ने ऐसा इंतज़ाम किया कि उन्हीं डॉक्टर को एक दूसरी जगह पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना था। और जब वो अपनी कार चला के उस जगह पे जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत बुरा आंधी तूफान आया और उस आंधी तूफान में उनको पता ही नहीं चला कि उनकी कार कब और कहाँ कहाँ से मुड़ गई। और जब वो कार मुड़ गई, वो उसी रास्ते पे चलते गए, जब उनको लगा कि आंधी तूफान रुकने वाला नहीं है, तो उनको एक घर दिखाई दिया। उस घर में से थोड़ी सी लाइट आ रही थी, तो उन्होंने अपनी कार को वहीं पे रोक दिया और दरवाज़ा नॉक किया। जब उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, तो एक स्त्री जो थी वो निकल के बाहर झांक के देखती है और वो पूछती है, आपको क्या काम है? तो वो कहते हैं कि मैं आंधी तूफान में फंस गया हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में थोड़ी देर के लिए रुकने देंगी? तो वो स्त्री सोचती है कि ये तो कोई बहुत शरीफ आदमी लग रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, इनको रुको मैं अपने घर में रोक सकती हूँ। फिर वो उनके घर में डॉक्टर आते हैं और वो उनको बैठाती है और उनको चाय का एक कप पकड़ा के कहती, माफ़ करिएगा, मेरा बेटा बीमार है तो मैं उसके पास जा रही हूँ। ये वही स्त्री होती है जिसके बेटे को कैंसर है। तो वो अपने बेटे के पास चली जाती है। फिर डॉक्टर के मन में आता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं क्यों ना इसके बच्चे को देखूँ, उसको क्या हो गया है। तो वो जाके जब पूछता है, तो उसकी माँ, बच्चे की माँ उसको बताती है कि इसको कैंसर है और इसका इलाज सिर्फ ये वाले डॉक्टर कर सकते हैं जिनका ये नाम है। और जब डॉक्टर सुनते हैं तो वो अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि वो स्त्री उन्हीं का नाम ले रही होती है। तब वो कहते हैं कि बहन, तुम घबराओ नहीं, मैं वही डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ पे परमेश्वर लेकर आया है। और दूसरे दिन वो बच्चे को अपनी कार में बैठाकर अपने शहर ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं, और वो इलाज कर के बच्चा ठीक हो जाता है। तो क्या ही धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारी परवाह करता है। वो ऐसी सिचुएशंस को उत्पन्न कर देता है जो कि हमारे फेवर में होती हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है कि हमारी मदद किसी के ज़रिए करता है, या हम जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वहाँ के बॉस के ज़रिए हमारी मदद करता है, या हमारे फ्रेंड्स के ज़रिए हमारी मदद करता है। हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल अपने पिछले सर्मन्स में दे चुके हैं, जहाँ परमेश्वर ने मेरी बहुत मदद करी। जब मेरी बेटी जो थी पढ़ाई कर रही थी, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर रही थी, और मैं अकेली कमाने वाली थी, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसकी फ़ीस भरती, लेकिन परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत ढंग से उसकी फ़ीस का इंतज़ाम किया। तो इससे पता लगता है कि परमेश्वर हमारी केयर करता है, परमेश्वर हमारी परवाह करता है। और आप सबके जीवन में ऐसे घटनाएं घटी होंगी जिससे आपको भी ये बात याद आ रही होगी कि हाँ, परमेश्वर ने उस कठिन परिस्थिति में मेरी कैसे मदद करी थी। तो मेरे प्रियों, हमको चुप नहीं रहना है, हमें हमारे साथ जो भी परमेश्वर अच्छाई करता है, जो भी अच्छी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, और जो भी मिरेकल्स चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं, उसकी गवाही हमको दूसरों को देनी है, ताकि दूसरों का विश्वास परमेश्वर में बढ़े। उसने तो जिंदा किया मुर्दों को, मुर्दा लड़की जो कि मर चुकी थी बुखार से, उसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया, और वो लड़का विधवा का जो मर चुका था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। लाजर जो कि
चार दिन कब्र में रहा था उसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। उसने लंगड़ों को ठीक किया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। कितने चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने इस जब वो इस पृथ्वी पर थे तब किए, और वो आज भी वो चमत्कार कर रहा है। हम उसके नाम से वो चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, और उसका कोई भी वायदा जो है वो झूठा नहीं है। तो हम भी उसके प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो शक्ति है, उससे बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और हमको ज़रूर परमेश्वर की सामर्थ्य से वो काम करते रहना चाहिए। हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें अपने तक ही वो उसकी आशीषों को सीमित नहीं रखना है, बल्कि अपनी आशीषों को दूसरों के साथ बांटना है, दूसरों के साथ साझा करना है, और उसकी आज्ञा को मानना है, तभी वो हमको कई गुना आशीषें और देता है। और तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने देखा कि वो हमारी सुरक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि वो हमारी आवाज़ को सुनता है, और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं और सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और उसकी इच्छा में वो प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उस पर एक्शन लेता है। और तीसरा पॉइंट है, गॉड विल ग्रांट यू पीस। हम जो है दुनिया में सबसे महंगी चीज़ क्या होती है, वो होती है शांति। बहुत से लोग जो हैं बहुत से हीरे मोती पत्थर वगैरह पहनते हैं कि उनको शांति मिले, लेकिन जो सच्ची शांति है वो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। या आइज़ाया चैप्टर 9:6 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि पैदा होने वाला है, उस समय पुराने टेस्टमेंट में ये भविष्यवाणी हुई थी कि वो शांति का राजकुमार होगा। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में होते हैं तो वो कह के जाते हैं कि देखो मैं जाता हूँ और तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो शांति जो ये दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती, वो शांति मैं तुमको देता हूँ। सो शांति, बहुत से लोगों के पास पैसा है, दौलत है, और बहुत ज़्यादा जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग शांति की खोज में पहाड़ों पे चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, और कितनी पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि उनको शांति मिले, बलिदान देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिलती, क्योंकि असली शांति का राजकुमार कौन है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते तब तक हमको शांति नहीं मिलती। तभी तो वो कहता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब हमें वो विश्राम देता है तब हमको शांति प्राप्त होती है। तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए और उसके करीब रहना चाहिए, ताकि शांति का वास हमारे हृदय में हो सके। और इसके लिए भी एक वर्स दी हुई है, यूहन्ना चैप्टर 14:27, John 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह का हर वायदा सच्चा है, और इससे पता लगता है कि वो हमारी कितनी परवाह करते हैं, और वो हमारे बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। हर रोज़ वो हमारे बोझ को उठाते हैं, लेकिन हम कितने मूर्ख हैं, क्योंकि बहुत से लोग जानते हुए भी यीशु मसीह के पास नहीं आते, और वो जो हैं शांति को दुनिया की तरह तरह की चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती है। जब मेरे नाना जी जिंदा थे तो वो एक मसीही नहीं थे उस समय, और उन्होंने शांति की खोज में वो पहाड़ों पे चले गए, और पहाड़ों पर उनको किसी तरह पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ही शांति देता है। और फिर उन्होंने बाइबल पढ़ी, और बाइबल पढ़ने के बाद उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और उनको सच्ची शांति प्राप्त हुई। उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया को सुनाते रहे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हमारे पास सच्चे एग्जाम्पल्स हैं, जो कि मैंने अपने जीवन में खुद सुने हैं। मैंने अपने नाना जी को देखा तो नहीं, लेकिन मेरी नानी बताती थी कि वो इस तरह से उनको शांति मिली और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया।
और ये होता है, ये चौथा पॉइंट है, गॉड विल वाइप अवे एवरी टीयर। गॉड विल वाइप अवे एवरी टीयर मतलब वो हर एक आंसू को पोछ डालेगा, परमेश्वर हर एक आंसू को पोछ डालेगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 में, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हमको अनंत जीवन का वायदा किया है। परमेश्वर ने कहा कि मैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास उस पर करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ उसी अनंत जीवन की बात की गई है कि जब हम ये टेम्प्ररी अस्थाई जीवन को छोड़कर जब हम परमानेंट जीवन में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानते हुए हम स्वर्ग में जाएंगे, तो वहाँ पर प्रभु जो है परमेश्वर जो है हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा और उसके बाद ना मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी और पहली बातें जाती रही। तो वो नया जीवन हमको परमेश्वर देगा जो कि हमारे लिए अनंत जीवन होगा और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर्ष उल्लास होगा, जहाँ पर उसके दूत जो हैं वो हर्ष मना रहे होंगे, गा रहे होंगे, नाच रहे होंगे, उसकी महिमा गा रहे होंगे और हम भी उनके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो इससे पता लगता है कि परमेश्वर हमारी सिर्फ इसी जीवन में परवाह नहीं करता वरन आने वाले जीवन में भी हमारी परवाह करता है और वो हमारी खुशियाँ चाहता है, हमको सुरक्षित रखना चाहता है, हमारी वो आवाज़ को सुनता है और वो हमको शांति देता है और हमें मरने के उपरांत हमारे जीवन में खुशियाँ भर देता है और हमें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनने का अवसर देता है। फिर पांचवा पॉइंट है, गॉड इज़ ऑलवेज विथ यू। गॉड इस बात से हमको कितनी शांति मिलती है जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम किसी बला में फंस जाते हैं, किसी एक्सीडेंट के करीब होते हैं, तो हमको ये बात याद आ जाती है कि प्रभु हमारे साथ है क्योंकि उसका ये वायदा है। ऐसा लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 20 में उसमें लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अपने चेलों से कही थी कि मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उसका ये वायदा भी एकदम सच्चा वायदा है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और वो सचमुच में हमारे साथ है क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहता है, वो हम उसका मंदिर हैं, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का और यीशु मसीह का मंदिर है। तो उसने जाने से पहले हमारे लिए ये वायदा किया कि देखो मैं जाता हूँ लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी हर जगह पे तुम्हें गाइड करेगा। तो वो सहायक है पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहता है। जब जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं उसी वक्त पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और वो एक छाप बन के, एक सील बन के हमारे हृदय पे लग जाता है। तो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रभु ने जो कहा अपने जीवन काल में उसको उसने पूर्ण किया, उसको पूरा किया और उसका जो ये वादा भी सही है। और इससे पता लगता है कि परमेश्वर हमारी केयर करता है, परमेश्वर हमारी परवाह करता है। अब हम और ये देखेंगे कि परमेश्वर हमारी परवाह जीवन में करता है, जीवन के उपरांत करता है और जीवन के पहले भी करता है।
जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो हमको जानता है। वो उसको हमारा नाम पता था, हम पैदा भी जब नहीं हुए थे। जब हम अपनी माता के गर्भ में थे तो हमारा हर एक अंश उसके सामने था। परमेश्वर ने हमको सींचा है, सिरजा है और हमको हमारी रचना अपने स्वरूप में करी है। तो इससे पता लगता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली में बना रखा है और हमारा जो शहरपना है उसके सामने हर वक्त रहता है। वो हर वक्त हमको देखता रहता है। हम उसकी आँखों की पुतली हैं और उसको छुए बिना हमें कोई भी शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वो अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है, ऐसा बाइबल में लिखा है, साम में लिखा हुआ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। तो इससे पता लगता है कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ है और उसका ये वायदा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा वो बिल्कुल सच्चा है। अब छठा पॉइंट हम देखते हैं। छठा पॉइंट ये है कि गॉड विल नेवर फॉरसेक यू। गॉड विल नेवर फॉरसेक यू का मतलब है कि वो हमको कभी त्यागेगा नहीं, हमें कभी वो ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। ये वर्स जो है दो पॉइंट्स में आई है। एक्चुअली ये है हिब्रू इब्रानियों की 13वीं, इब्रानियों 13 उसका 5 वर्स है कि आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। डिटरॉनमी में अगर हम देखें तो डिटरॉनमी व्यवस्था विवरण उसके 31 चैप्टर और उसकी 6 आयत में देखें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है तू शिवाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तो यहाँ पर कितना बड़ा वायदा है कि परमेश्वर जो है हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारे संग चलता है और वो तुझको कभी धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा, ये उसका वायदा है। और जब मैं ये बता रही हूँ तो मुझे अपने आप होली स्पिरिट में उस लड़की की कहानी याद आ रही है जो कि अपने स्कूल से पढ़ाई करके अपने घर जा रही थी और उसको काफ़ी रात हो गई थी और वो जो है एक छोटा रास्ता लेकर अपने घर जाना चाहती थी। और जब वो अपने घर जा रही थी तो उसने घाटी का रास्ता अपनाया, जैसे पहाड़ होते हैं और उसके नीचे घाटियाँ होती हैं, तो वो वैली के थ्रू जाना चाह रही थी। और उस वैली के थ्रू वो जब गई तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो आराम से अपने घर टाइम से पहुंच गई। और दूसरे दिन पुलिस उसके घर पे आती है और पूछती है उस लड़की से कि तुम कल उस घाटी के रास्ते से आई हो ना, तो उसने कहा हाँ। उसके माँ बाप ने कहा हाँ ये उस रास्ते से आई क्योंकि उसको देर हो रही थी। तो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता कि उस घाटी में डाकू रहते हैं, और उसके एक दिन पहले ही उन्होंने एक तुम्हारे जैसी जवान लड़की को पकड़ लिया था और उसको रेप किया और उसको मार डाला था। तो वो लड़की चुप रहती, उसको नहीं पता था। तो फिर वो लोग उन डाकुओं से पूछते हैं पुलिस वाले जाके कि तुम्हें पता है कि यहाँ से कल एक लड़की जा रही थी और उसको तुमने देखा होगा, तुमने उसको क्यों नहीं पकड़ा, तुम्हारे मन में ऐसा क्या आया कि तुमने उसको नहीं पकड़ा। तो डाकुओं ने कहा उसके साथ साथ तो दो बहुत लंबे चौड़े आदमी चल रहे थे जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और हम डर गए, हमने सोचा कि हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये हमको मार डालेंगे। तो इससे पता लगता है कि परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। तो देखिए उसने दूतों के रूप में परमेश्वर उस लड़की के साथ था क्योंकि वो विश्वासी थी और वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी और उसको मानती थी और परमेश्वर उसके संग संग चल रहा था। तो इससे पता लगता है कि परमेश्वर का कोई भी वादा झूठा नहीं है और वो जो है हमारी परवाह करता है। हर समय हर जगह हर परिस्थिति में वो हमारी परवाह करता है। ये सातवां पॉइंट है गॉड विल नेवर लीव यू, गॉड विल नेवर लीव अस, मतलब गॉड हमको कभी भी छोड़ता नहीं है। ये ऊपर का पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और यहाँ पर भी हम हिब्रू 13:5 को लगा सकते हैं कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और हिब्रू 13:5 में ऐसे लिखा हुआ है
तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित ना हो, सॉरी तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब लोभ के बिना हो, लालच के बिना हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष रखो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो ये परमेश्वर का वचन है जो बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, इसमें मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में लिखा है, परमेश्वर की राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं जो दुनिया में तुम्हारी ज़रूरत की हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। इसीलिए उसने कहा है किसी भी चीज़ का लालच मत करो। हम किसी भी किसी की चीज़ को देखते हैं, वो बहुत अच्छी होती है तो हम उसका लालच करते हैं, हम कहते हैं काश हमारे पास भी ऐसे कपड़े होते, काश ऐसी कार हमारे पास भी होती, काश ऐसा घर मेरा भी होता, हम भी एक सुंदर से घर में रहते, एक बड़े से घर में रहते, ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि किसी तुम्हारा स्वभाव क्या हो, लालच से परे हो, तुम्हारे स्वभाव में लालच ना हो। और जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो वो हमें हर अच्छी वस्तु देता है, और हर अच्छा उपहार जो है हमें कहाँ से मिलता है, हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर हमको हर अच्छी चीज़, हर अच्छा उपहार देता है। वो ये नहीं कि वो चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा गरीबी में रहें या उसके बच्चों के पास अभाव रहे, वो हर तरह से हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है और हमारी आशा के विपरीत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमको देता है। जैसे जोब के जीवन में उसने सब कुछ शैतान ने उससे ले लिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कई गुना करके उसको वापस कर दिया। इसी तरह से जोसेफ के जीवन में, जोसेफ जो था वो उसके पास कोई भी नहीं था, उसको उसके भाइयों ने बेच दिया था, लेकिन वो बड़ा बन के जब बड़ा हुआ तो एक प्रधानमंत्री बना और उसके पास वो सब कुछ था जो उसके पिता और भाइयों के पास नहीं था। तो मेरे पियो, जब हम परमेश्वर को महत्व देते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको अपना बनाते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो वो हमको हर अच्छी चीज़ देना जानते हैं, और हर चीज़ जो है हमारे अच्छे के लिए होती है। हमारे जीवन में अगर दुख भी आते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए आते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमें तराशने के लिए आते हैं, ताकि हम सोने के जैसे चमके और हीरे के जैसे हमारी चमक हो। इसलिए हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, पर हमें उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है, वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो सारी विपत्ति में, सब तरह की परेशानी में हमारी रक्षा करता है। दूसरा पॉइंट है, गॉड ऑलवेज हियर्स आवर वॉइस, हमारी आवाज़ को वो हमेशा सुनता है। तीसरा पॉइंट है, गॉड हमेशा हमको शांति देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और प्रभु आप